हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं और घरों में सुरक्षित हैं। देखिए, मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट किया था कि आप वैक्सीन लगवाइए और सुरक्षित रहिए। तो वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है। आपने वैक्सीन लगवा ली होगी और अपनी ऑनलाइन पढ़ाई जारी रख रहे हैं। तो हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, आपने मेरी बात मानकर वैक्सीन लगवाई, इसलिए थैंक यू। और अब आप जो चैप्टर में पढ़ा रही थी उन्होंने आपने पढ़ लिया होगा, अ बेकर फ्रॉम गोवा। और उसके लिए हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि ऑनलाइन क्लास में बने रहिए, रोज पढ़ाई कीजिए। और पिछले दो वीडियो में मैंने आपको चैप्टर कंप्लीट करवाया था और आज मैं उसके क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि लगातार पढ़े, तो आज के वीडियो में हम उसके कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे, आगे के वीडियो में हम और देखेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट। देखिए, चैप्टर जैसे हमने शुरू किया था उसमें लिखा था द एल्डर्स इन गोवा आर नॉस्टैल्जिक अबाउट, और ये आगे फलाना फलाना करके। तो उसमें क्या है, आपको वूल वहां से छांट के लिखना है कि व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट। वो किस चीज को लेके बड़े ही एग्रेसिव थे या बहुत ही पजेसिव थे। द एल्डर्स इन गोवा, एल्डर्स की स्पेलिंग ELDERS, एल्डर्स इन गोवा आर नॉस्टैल्जिक, NOSTALGIC। देखिए, वैसे ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो आपको यहीं से आंसर स्पेलिंग मिल जाएगी, अबाउट ABOUT, अबाउट द पोर्टुगीज की स्पेलिंग याद कीजिए, PORTUGUESE, पोर्टुगीज, एंड देयर THEIR, देयर लोव्स LOAVES, लोव्स ऑफ ब्रेड BREAD, ब्रेड। The elders in Goa are nostalgic about the Portuguese and their loaves of bread. फिर है दूसरा क्वेश्चन, what equipments मतलब उपकरण, do the Goan, GOAN, Goan people, Goa के लोग, Goan जैसे इंडिया इंडियन वैसे गोवा Goan people still own there, कि ऐसे कौन से उपकरण है जो गोवा के लोग अभी भी वहां काम में लेते हैं। तो उत्तर हो जाएगा दे, द गोवन पीपल भी लिख सकते हो और इसकी जगह दे भी लिख सकते हो, THEY, दे स्टिल STILL, स्टिल हैव HAVE, हैव अमंगस्ट AMONGST, अमंगस्ट देम THEM, देम द मिक्सचर्स MIXTURES, मिक्सचर्स कॉमा द मोल्डर्स MOULDERS, मोल्डर्स, एंड टाइम टेस्टेड, टाइम TIME, टाइम बीच में छोटी सी लाइन, फिर टेस्टेड TESTED, टेस्टेड, फर्नेसेस FURNACES, फर्नेसेस, एंड दोज हु बेक द लोव्स, दोज वो लोग THOSE, those who, WHO, who bake, BAKE, bake the loaves, LOAVES, loaves। तो मैं पूरा वापस पढ़ लेती हूँ, they still have amongst them the mixtures, comma, the molders and time tested furnaces and those who bake the loaves। फिर तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर बेकर्स नोन एज इन गोवा, जो बेकर हैं ब्रेड बनाने वाले उनको गोवा में खास नाम से बुलाया जाता है, और वो खास नाम एक पुर्तगाली शब्द है, तो वो क्या है वो लिखना है हमें, बेकर्स BAKERS, बेकर्स इन गोवा आर नोन KNOWN, नोन एज पैडर PADER, पैडर, ठीक है। फिर चौथा है, व्हाट डज द थड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू इंडिकेट, ट्रेडिशनल बैम्बू
बेकर जो ट्रेडिशनल बेकर था उसका जो बैम्बू था बांस की लकड़ी वो थर्ड और जिंगल से क्या बताता है. इट इंडिकेट्स आई एन डी आई सी ए टी ई एस इंडिकेट्स द अनाउंसमेंट. देखिए लंबी स्पेलिंग है मैं इसको दो बार रिपीट करूंगी आप याद कीजिएगा. अनाउंसमेंट्स ठीक है अनाउंसमेंट की स्पेलिंग ए एन एन ओ यू एन सी ई एम ई एन टी अनाउंसमेंट ए डबल एन ओ यू सी सॉरी ए डबल एन ओ यू एन सी ई एम ई एन टी अनाउंसमेंट ऑफ ओ एफ ऑफ द अराइवल ए डबल आर आई वी ए एल ए डबल आर आई वी ए एल अराइवल ऑफ द बेकर बी ए के ई आर बी ए के ई आर बेकर इन द मॉर्निंग एम ओ आर एन आई एन जी मॉर्निंग. ठीक है पूरा आंसर मैं एक बार फिर पढ़ लेती हूँ. इट इंडिकेट्स द अनाउंसमेंट ऑफ द अराइवल ऑफ द बेकर इन द मॉर्निंग. फिर है पांचवा क्वेश्चन. व्हाट अनाउंसेस द अराइवल ऑफ द बेकर इन गोवा. इसी ऊपर वाले क्वेश्चन को बदल के लिखा है तो उत्तर उल्टा हो जाएगा. ठीक है कि क्या ऐसी चीज थी जो गोवा में बेकर के आने का हमें इंडिकेट करती है. तो पहले क्या पूछा था थर्ड और जिंगल किस चीज को इंडिकेट करते हैं. अब है गोवा में बेकर के आने को लेकर कौन सी चीज अनाउंस करती है. ऊपर वाला प्रश्न यहां उत्तर है. ठीक है ना द थर्ड टी एच यू डी टी एच यू डी थर्ड एंड जिंगल जे आई एन जी एल ई जे आई एन जी एल ई जिंगल ऑफ द स्पेशली एस पी ई सी आई ए एल एल वाई एस पी ई सी आई ए एल एल वाई स्पेशली मेड एम ए डी ई मेड बैम्बू बी ए एम बी डबल ओ बी ए एम बी डबल ओ बैम्बू स्टफ एस टी ए एस एफ एफ एस टी ए एफ एफ स्टफ अनाउंसेस ए एन एन ओ यू एन सी ई एस ए एन एन ओ यू एन सी ई एस अनाउंसेस द अराइवल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर. ठीक है ना अब मैं पूरा आंसर फिर से पढ़ लेती हूँ. द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ अनाउंसेस द अराइवल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर. फिर हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर छे. हाउ वुड द बेकर ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस. उसमें एक जगह आया ना कि जैसे ही बेकर आता है वो घर की मालकिन को नमस्कार करता है या उसको ग्रीट करता है. तो कैसे करता है वो बताना है हमें यहाँ. द बेकर वुड ग्रीट जी आर डबल ई टी जी आर डबल ई टी ग्रीट द लेडी एल ए डी वाई लेडी ऑफ द हाउस. ये पूरा का पूरा सवाल में दिया हुआ है. द बेकर वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस एच ओ यू एस ई हाउस विद डब्ल्यू आई टी एच विद गुड मॉर्निंग. वो क्या करता है उसको गुड मॉर्निंग. तो यहां आपको गुड मॉर्निंग की स्पेलिंग लिखनी है. फिर है सातवां सवाल. व्हाट डिड द चिल्ड्रन लॉन्ग टू गेट फ्रॉम द बेकर. बच्चे बेकर से क्या पाने के लिए लालायित रहते थे. द चिल्ड्रेन सी एच आई एल डी आर ई एन. वैसे ये प्रश्न में दिया हुआ है पर फिर भी आप स्पेलिंग याद कर दीजिए. सी एच आई एल डी आर ई एन सी एच आई एल डी आर ई एन चिल्ड्रेन लॉन्ग्ड एल ओ एन जी ई डी एल ओ एन जी ई डी लॉन्ग्ड फॉर टू गेट. देखिए वैसे ये सवाल में दिया हुआ है ब्रेड बी आर ई ए डी ब्रेड बैंगल्स B A N G L E S bangles from the baker. वो bread bangles पाने के लिए लालायित रहते थे. फिर है question number 8. What kind of fragrance does the author still recall? Fragrance मतलब खुशबू. किस तरह की खुशबू
लेखक को अभी भी याद है तो वो बताना है. द ऑथर AUTHOR, ऑथर मतलब लेखक, AUTHOR. वैसे ये सवाल में दी हुई है स्पेलिंग, स्टिल STILL, STILL स्टिल, रिकॉल्स RECALLS, RECALLS रिकॉल्स द टिपिकल TYPICAL, टिपिकल TYPICAL, टिपिकल फ्रेग्रेंस. स्पेलिंग क्वेश्चन में दी है फिर भी मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, आप याद करने की कोशिश कीजिएगा. FRA फ्रे, GRA ग्रे, NCE फ्रेग्रेंस. FRA GRA NCE, इस तरह टुकड़ों टुकड़ों में याद कीजिए. फ्रेग्रेंस ऑफ OF, ऑफ द बेकर्स BAKAER एपोस्ट्रोफ S, ऊपर कॉमा लगेगा S, बेकर्स की स्पेलिंग BAKAER एपोस्ट्रोफ S, वो ऊपर कॉमा लग के S लगता है ना, एपोस्ट्रोफ S, बेकर्स लोव्स LOAVES, लोव्स. पूरा क्वेश्चन आंसर पढ़ लेती हूँ. द ऑथर स्टिल रिकॉल्स द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ द बेकर्स लोव्स. फिर है नाइन्थ क्वेश्चन, व्हाट डिड द बेकर रिकलेक्ट, अच्छा सॉरी, व्हेन डिड द बेकर रिकलेक्ट हिज बिल्स. बेकर अपने बिल कब कलेक्ट करता था, उनके अपने जैसे ब्रेड के पैसे. द बेकर कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, महीने के अंत में. अब इसमें से स्पेलिंग्स बता देती हूँ. द बेकर BAKER, बेकर कलेक्टेड COLLECTED, COLLECTED कलेक्टेड हिज HIS, हिज बिल्स BILLS बिल्स एट at the end, END, अंत, end of the month, 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 महीने के अंत में. अब हमारा दसवां और आखिरी प्रश्न, आज का आखिरी प्रश्न, अभी इस पार्ट के सारे प्रश्न खत्म नहीं हुए, अगले वीडियो में हम फिर लेंगे, पर आज का आखिरी प्रश्न, हाउ वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड. बेकर ब्रेड देके जाता तो घर वाले उसके महीने का जो रिकॉर्ड है, किस दिन कितना ब्रेड आई, वो कैसे मंथली अकाउंट लिखते थे. तो द मंथली अकाउंट्स वर रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल, घर की किसी दीवार पर पेंसिल से उसका तारीख और वो उतने ब्रेड नोट कर लेते थे. तो अब हम इसको वापस से पढ़ते हैं. हाउ वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड. द मंथली अकाउंट्स वर रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल. अब मैं इसकी स्पेलिंग्स बता देती हूँ. मंथली MONTHLY, MONTHLY मंथली अकाउंट्स, ACCOUNTS, ACCOUNTS अकाउंट्स, वर WERE वर रिकॉर्डेड RECORDED recorded on some, SOME, some wall, 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 wall मतलब दीवार, wall in pencil, PENCIL, PENCIL pencil. तो इस तरीके से ये 10 प्रश्न है. अगले वीडियो में हम कुछ और प्रश्न लेंगे, सारे प्रश्न अभी खत्म नहीं हुए हैं, ठीक है ना. तब तक ऑनलाइन पढ़ाई कीजिए और अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रखिए. थैंक यू.